नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट्टी न्यूज। खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर में बीते दिन जिलाधिकारी के द्वारा बढ़ते कोरोना के संक्रमण की संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए निर्देश दिया है कि मुजफ्फरपुर शहर में सोमवार से शुक्रवार के दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शहर में सभी दुकानें खुलेंगे। इसके बाद आवश्यक सेवा में केवल दवा और पेट्रोल पंप को छोड़कर सारी दुकानें बंद रहेंगी। शनिवार और रविवार पूर्ण रूप से व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखे, ऐसी उम्मीद है, और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। धन्यवाद। के रसीद काटा जा रहा है, जुर्माने लोग माना लिया जाए। ये देखिए कैसे क्या कुछ किया जा रहा है। दुकानें खुली हुई थी इसीलिए ये इनकी चालान काटी जा रही है। हालांकि सील किया जाएगा कि नहीं ये तो पता नहीं, मगर लेकिन चालान काटी जा रही है, यानी कि जुर्माना वसूला जा रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश का उल्लंघन हो रहा था, प्रशासन ने इसीलिए फ्लैग मार्च के दौरान इस दुकान को खुला हुआ पाया, इसीलिए इससे जुर्माना वसूला जा रहा है। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं क्या, देखिए किस तरह से दुकानदार बता रहे हैं कि नहीं मालूम था, यानी कि कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार की कमी को बता रहे हैं, यानी कि प्रचार प्रसार में कमी हो रही है, जिनसे जैसे कि दुकानदार और कितने की चालान काटी जा रही है, ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नगर थाने की पुलिस टीम है, उनके साथ नगर थाना प्रभारी भी है।